हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं टेक्निकल चैनल दानाशरी और आज हम इस मौजूद पर बात करेंगे कि पाकिस्तान में मौजूद लोग नाजरा से कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करेंगे। तो जी दोस्तों, नाजरा से कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए आपके पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड या इन चारों में से कोई भी आपके पास कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास इन चारों में से कोई भी कार्ड मौजूद नहीं है तो आप किसी दोस्त की मदद से भी ये हेल्प ले सकते हैं। आपका दोस्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है तो आप उनकी मदद से भी कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो जी दोस्तों, इस कोरोना वैक्सीन कार्ड की उन लोगों को ही जरूरत पड़ेगी जो पाकिस्तान से किसी दूसरी कंट्री में जाना चाहते हैं। इस कार्ड की मदद से आपको किसी दूसरी कंट्री में 7 दिन क्वारंटीन करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपने दोनों वैक्सीन लगवाई हैं तो तब ही इसको डाउनलोड करने की कोशिश करें। और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आगे चल के मैं बताता हूँ कि कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करेंगे। इसको डाउनलोड करने के लिए आपको जाना पड़ेगा मेरी मोबाइल की होम स्क्रीन के ऊपर। होम स्क्रीन से जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलते हैं मोबाइल की होम स्क्रीन के ऊपर। जी दोस्तों, जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे, लिंक ओपन करने के बाद आपके सामने स्क्रीन में कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। ऊपर वाले खाने में आपने शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, दूसरे खाने में तरीका जरा लिखनी है शनाख्ती कार्ड की, और नीचे 3 खाने होंगे। तीनों खानों के सेंटर में प्लस का निशान होगा, दूसरे के सेंटर में मल्टीप्लाई का निशान होगा। प्लस के निशान वाले को आपने प्लस करके मल्टीप्लाई का वाले खाने में लिख देना है। लिखने के बाद आपने तस्दीक कर देना है। तस्दीक करने के बाद चले जाएंगे आप नेक्स्ट पेज के ऊपर। नेक्स्ट पेज पर जाने के बाद आपकी स्क्रीन का कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। दोस्तों, जैसे ही आप नेक्स्ट पेज के ऊपर आ जाएंगे, नेक्स्ट पेज पर आने के बाद आपने सबसे पहले ऊपर वाले खाने में शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, और दूसरे खाने में पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड के मुताबिक अपना नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद आपने पासपोर्ट नंबर लिखना है तीसरे खाने में, और तीसरे खाने में नंबर लिखने के बाद आपने कौमें सेलेक्ट करनी है। कौमें मतलब जिस कंट्री के आप होंगे वो आपने वो कंट्री सेलेक्ट कर देनी है। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद आपने तस्दीक कर देना है। तस्दीक करने के बाद जैसे ही आप नेक्स्ट पेज पर चले जाएंगे, नेक्स्ट पेज का कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। नेक्स्ट पेज पे आने के बाद दोस्तों, सबसे पहले आपने टर्म और कंडीशन अच्छी तरह पढ़ देने हैं। अच्छी तरह का पढ़ने के बाद आपने नीचे सफेद कलर का डब्बा होगा, डब्बे के ऊपर आपने टिक करना है। टिक करने के बाद आपने एक्सेप्ट और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। एक्सेप्ट और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप अगले पेज पर चले जाएंगे। अगले पेज का कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। अगले पेज पे आने के बाद सबसे पहले आपने अपना कार्ड नंबर लिखना है। कार्ड नंबर लिखने के बाद आपने सीवीसी नंबर लिखना है। सीवीसी नंबर लिखने के बाद आपने एक्सपायरी मंथ लिखना है। एक्सपायरी मंथ लिखने के बाद आपने एक्सपायरी ईयर लिखना है। एक्सपायरी ईयर लिखने के बाद आपने फर्स्ट नेम लिखना है। फर्स्ट नेम लिखने के बाद आपने लास्ट नेम लिखना है। लास्ट नेम लिखने के बाद आपने ईमेल एड्रेस लिखना है। ईमेल एड्रेस लिखने के बाद आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद आपने स्टेट लिखना है। स्टेट लिखने के बाद आपने सिटी लिखनी है। सिटी लिखने के बाद आपने पोस्टल कोड लिखना है। पोस्टल कोड लिखने के बाद आपने स्ट्रीट लिखनी है, जिससे स्ट्रीट आपने उसी कंट्री और उसी शहर का ले देना है जिस कंट्री का ये कार्ड इशू हुआ हो। तो जी दोस्तों, इस पेज पे आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन देनी है वो इंफॉर्मेशन आपकी उसी कंट्री की होनी चाहिए जिसी कंट्री का ये कार्ड इशू हुआ हो, जिस कंट्री से आप पे करना चाहते हो। तो दोस्तों, ये सारी इंफॉर्मेशन लिखने के बाद आपने कंटिन्यू एंड पे पे क्लिक कर देना है। जैसे ही कन्फर्म एंड पे पे आप क्लिक करेंगे तो आप चले जाएंगे नेक्स्ट पेज के ऊपर। नेक्स्ट पेज के जाने के बाद उस कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। जैसे ही नेक्स्ट पेज के ऊपर आ जाएंगे, सबसे ऊपर वाले खाने में आपने ट्रैकिंग आईडी लिखनी है। ट्रैकिंग आईडी की लिखने के बाद आपने अमाउंट लिखना है। अमाउंट लिखने के बाद आपने कंट्री देनी है। कंट्री देने के बाद आपने पेमेंट मेथड करना कर देना है। पेमेंट मेथड मतलब आप जिस कार्ड पे आप पे कर रहे हैं उस कार्ड का आपने डिटेल देना है, कौन सा कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है या वीज़ा कार्ड है या मास्टर कार्ड है। तो दोस्तों, जैसे ही आप अपना कार्ड सेलेक्ट करेंगे, कार्ड सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने कुछ एक डब्बा एक खाना और होगा। उस खाने के अंदर दो ब्लू कलर के लिखे होंगे क्लिक हेयर, क्लिक हेयर। तो दोनों को आपने एक दफ़ा क्लिक हेयर कर देना है। क्लिक हेयर करने के बाद आपने तो अगर आप प्रिंट लेना चाहते हो तो यहाँ से प्रिंट भी ले सकते हैं। अगर आप नहीं प्रिंट लेना चाहते तो आप कंटिन्यू पर क्लिक करके नेक्स्ट पेज के ऊपर चले जाएंगे। नेक्स्ट पेज के ऊपर जाने के बाद उसका इंटरफेस कुछ इस तरह का होगा। तो दोस्तों, जैसे ही आप नेक्स्ट पेज के ऊपर आ जाएंगे, नेक्स्ट पेज पर आने के बाद आपने यहाँ अपने वाइफ की तस्दीक कर लेनी है। तो जो आपने डॉक्यूमेंट लिखे हुए हैं जैसा कि शनाख्ती कार्ड नंबर, पासपोर्ट नंबर और पासपोर्ट नेम और कौमियत, ये सारी चीज़ें आपने एक दफ़ा गौर से चेक कर लेनी है कि सही तरीके से मैंने लिखी हैं। उसके बाद आपने इंदराज पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद जैसे ही आप अगले पेज पर जाएंगे तो अगले पेज का कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। जैसे ही दोस्तों आप इस पेज में आ जाएंगे, इस पेज में आने के बाद सबसे पहले आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, कुछ ही देर बाद आपका जो नाजरा सर्टिफिकेट होगा वो आपकी स्क्रीन के ऊपर इस तरह का शो हो जाएगा। तो जी दोस्तों, ये था नाजरा से कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का मुकम्मल तरीका। इसी के साथ ही आज का हमारा मौजू जो कम्प्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
जाने से पहले मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, और वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।